हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसिफ टेक टॉक। दोस्तों, आपने अगर नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किए हुए हैं और आपको ऐसा अगर स्टेटस मिल रहा है कि टोकन नंबर एक्सपायर करके, ठीक है, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस में लिखा हुआ है टोकन अप्लीकेशन एक्सपायर, गेट इन टच विथ मिनिस्ट्री। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या आपको जाना है कहीं ऑफिस में? तो बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। जो टोकन नंबर होता है वो बेसिकली 2 महीने का इसकी वैलिडिटी होती है, ठीक है। तो अगर 2 महीने के अंदर आपको पेमेंट नहीं मिलता है तो वो ऑटोमेटिक जो है वो टोकन नंबर एक्सपायर हो जाता है। और एक्सपायर होने के बाद आपको अगर फिर से फ़ंड मिल जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट को, जो भी नेशनल स्कॉलरशिप को, तो फिर से वो आपको पेमेंट जो है वो टोकन नंबर दूसरा जनरेट होता है, ठीक है, और वही टोकन नंबर दूसरा जो जनरेट होगा उसके बाद आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो अभी लॉकडाउन के वजह से ये पेमेंट रुका हुआ है, ठीक है। जैसे ही फ़ंड मिल जाता है और लॉकडाउन के बाद या अभी भी, तो आपको फिर से टोकन नंबर न्यू मिल जाएगा और आपको जो है पेमेंट जो है वो कर दिया जाएगा जैसे ही ये लॉकडाउन या ख़त्म हो जाता है। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई और प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की या आपको कमेंट्स में रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।